आज राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की 100वीं जन्मतिथि है। भाजपा ने विद्याधर नगर स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा को आमंत्रित किया है। राजपूतों के नेता कहे जाने वाले भैरव सिंह शेखावत ने अपनी पूरी राजनीतिक विरासत अपने दामाद नरपत सिंह राजवी के नाम कर दी थी, पर क्या नरपत सिंह राजवी भैरव सिंह शेखावत की राजनीतिक विरासत को संभालने में काबिज हुए हैं? इसका उदाहरण हमें आज देखने को मिला जब नरपत सिंह राजवी अपने ही क्षेत्र में अपने राजपूत भाइयों को इकट्ठा करने में असफल हो गए थे। आज के इस कार्यक्रम में भाजपा के बड़े तमाम चेहरे जमा हुए थे, जिसमें दिया कुमारी ने भी अपनी प्रस्तुति दर्ज करवाई थी, पर क्या दिया कुमारी पर नरपत सिंह साहब ने जिस तरह से कमेंट किया था और कहा था कि भाजपा ने एक ऐसे नेता को टिकट दिया है जिनके परिवार ने मुगलों के सामने घुटने टेक दिए थे, तो उसे देखकर लगता है कि दिया कुमारी केवल अपनी प्रस्तुति ही दर्ज कराने आई थी। और जैसा कि हर बार होता है, वैसा आज भी हुआ और वसुंधरा राजे आज भी इस कार्यक्रम में नहीं पधारी। लेकिन इस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दोनों ही शामिल हुए थे, पर वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी। और जैसे ही उपराष्ट्रपति ने अपनी इस कार्यक्रम से रुखसत ली तो सभी नेताओं ने निकलना शुरू कर दिया। अगर बात दोबारा नरपत सिंह साहब की जाए तो नरपत सिंह राजवी साहब को चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया है, जहां पर चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान आक्या के समर्थकों के द्वारा उनका भारी विरोध किया जा रहा है। अब इस पूरे प्रकरण को देखकर लगता है कि राजपूतों की पार्टी कहे जाने वाले भाजपा को ही राजपूतों का विरोध झेलना पड़ रहा है।